इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जैम को। वेबसाइट मेरे पास है जिस पे काम करेंगे, थीम बेस कर रहे हैं, इसे होने दो। मुकुल चौधरी, वेबसाइट पर लोगों की एवरेज हाइट वेट कितनी होती है? क्या वेबसाइट पर लोगों की एवरेज हाइट वेट कितनी होती है? वेबसाइट में लोगों की हाइट वेट है? जो विथ रहेगी वो 100 पिक्सल रहेगी, हाइट रहेगी 80 पिक्सल के आसपास रहेगी। चलो, तो ये मेरे पास ये डाउनलोड कर लिया मैंने ये फोल्डर, ठीक है। ये मैंने इनको भी दिया, ये बना दे। तो ये बनाएंगे नहीं, पर ये बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब भी वेबसाइट को पे आप काम कर रहे हो ना, तो ना सबसे पहले उसे ना क्या कर लो, जैम के अंदर रख लो, ठीक है। सेकंड क्या होगा, जैम क्या करेगा, आपको एक लोकल सर्वर तैयार करके दे देगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ना आप वेबसाइट को ना एक तो डायनेमिक बना सकते हो, और सेकंड वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मतलब आपको अलग अलग टुकड़ों में इसको वेबसाइट को डिवाइड कर सकते हो, कोड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। डायनेमिक का क्या मतलब होगा? डायनेमिक का मतलब ये होता है बैकएंड से जो रिलेटेड होते हैं, मतलब डाटाबेस से रिलेटेड, जिसमें साइन अप लॉग इन ये सब ऑप्शन होते हैं, ये आ जाते हैं हमारे पास। स्टैटिक वेबसाइट होती है वो सिर्फ वन पेज की होती है ना? नहीं, स्टैटिक वेबसाइट होती है जो लाइक कितने भी पेज हो सकते हैं, 100 पेज भी हो सकते हैं, वो भी स्टेटिक ही होती है। स्टेटिक वेबसाइट वो होती है जिनमें ना यूजर आके कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता, हाँ देख पाता है, जैसे बिजनेस इंफॉर्मेशन साइट हो गई। और जिस पे यूजर आके कुछ एक्टिविटी करता है, मतलब जैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है, लॉग इन कर लेता है, चैट कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, वो सब चीजें हो जाती है डायनेमिक साइट, ठीक है। जो भी हमें विजिबिलिटी आती है, जो मतलब विजिबल होती है, वो चीज हमारी स्टेटिक है जब तक हम उस पर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं जिसमें एनिमेशन होती है ना वो डायनेमिक होती है, ऐसा नहीं है। वो जो हमारी HTML CSS JavaScript से बनती है वो स्टेटिक होती है, जिसमें जहाँ PHP और डाटाबेस का यूज हो जाता है वो हमारी डायनेमिक हो जाती है। जो मैंने बनाई वो स्टैटिक वो स्टेटिक है। अगर मैं उसमें डैशबोर्ड लगा दूंगा इंक्वायरी भरने पे, वो इंक्वायरी चली जाए तो वो डायनेमिक हो जाएगी। चलो, ये हो गया हमारा। यार ये बहुत टाइम ले लेता है, नहीं इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। तो कहाँ पे नहीं है पानी? यहाँ पे पानी बोतल नहीं है, नहीं है, खाली रखी दोनों बोतल, आई भी नहीं बोतल, नहीं भरी भी नहीं आ रखी, नहीं दोनों खाली है। एडवांस जी, हाँ भी तो है। अब आगे ना इतना मैंने क्या कहा था कि ना डाटाबेस का नाम जो रखना है ना, वो बनाया तुमने अपने क्लास में? कहाँ ले बनाया डाटाबेस का नाम? या डाटाबेस का नाम बना लेना और स्पेस नहीं देना ना, ठीक है। तो नाम लिख दो, जैसा एक अपनी लिख दो यहाँ पे अपनी, ठीक है। क्रिएट कर दो यहाँ पे इसे। अब यहाँ पे सिर्फ अपनी, यहाँ पे यहाँ लिखोगे ये बस, ठीक है। यहाँ रूट रहेगा या पासवर्ड रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, सबमिट पर क्लिक कर दो, हो गया। स्पेस नहीं देना, चलो हो गया ये हमारा सेट। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना होता है जब भी हमें कोई लाइक पाइथन या PHP की फाइल रन करानी होती है, तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं। डायनेमिक साइट बनाने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है। बिना HTTP के, बिना HTTP के कभी भी ना वर्डप्रेस चलता ना ये चलता, क्योंकि वर्डप्रेस भी क्या है, वो PHP से बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको वर्डप्रेस यूज करने के लिए भी ये यूज करना पड़ेगा। या तो दो तरीके के दो सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो जैम या वैम, जैम जैम या वैम,
तो दोनों में से कोई सा भी आप इंस्टॉल कर सकते। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो ऐसी विंडो ओपन होके आ जाएगी, आप इसको स्टार्ट कर लेना और इसको भी स्टार्ट कर लेना। तो जब आप इसे स्टार्ट कर लोगे, चलो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है डाटाबेस की, अभी डाटाबेस पे काम नहीं कर रहे, तो मैं भी इसे स्टॉप कर लेता हूँ, सिर्फ अपाचे अपाचे की ज़रूरत पड़ेगी। अपाची लाइक बैकएंड की फाइल है, जो पीएचपी की फाइल होती है उसको रन कराने के लिए यूज होता है, और जो माइस्क्ल है वो डाटाबेस पर रन कराने के लिए यूज होता है। तो हमारा जो ये है, ये मेरा एक वेबसाइट है पूरी, मैंने इसे कॉपी किया और इसको कहाँ पे रख लेते हैं, अपनी सी ड्राइव में रख लेते हैं। सी ड्राइव में देखो एक फोल्डर बन गया होगा जैम के नाम से, इसमें एस टी डॉक के नाम से एक फोल्डर बना होगा, उसके अंदर अपनी फाइल रख ले कैसे। तो अब अपना पेज चेक कर लेते हैं, गूगल पे गए, लोकल होस्ट यू सर्च करना, लोकल होस्ट स्लैश और हमारा फोल्डर का नाम, तो नाम है हमारा ग्रोथ आईटी, स्लैश लगा दिया, एंटर मारा। तो देखो हमारा जो साइट है वो इस तरीके से आ रही है, जितनी मैंने यहाँ पे ये सेट कर दी है इतनी, ठीक है। तो ये इतनी साइट हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सेक्शंस को ना अलग अलग डिवाइड कर लेना है, सबसे बढ़िया तरीका है। आप पहले, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फाइल में गए, ओपन फोल्डर, और हमारा फोल्डर का नाम है सी ड्राइव, जैम, एस टी डॉक और कौन सा है, ग्रोथ आईटी, सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। आपको क्या करना है, जो आपकी इंडेक्स वाली फाइल है ना, बाय इंडेक्स वाली फाइल है, उसको रीनेम कर लेना, .html की जगह .php कर देना, ठीक है, .php कर दी। अब आप ना क्या कर सकते हो, वेबसाइट को अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हो। जैसे आपको टॉप बार चाहिए, तो आप टॉप बार क्या करो, यहाँ पे एक नई फाइल बनाओ, सेव बनाओ, यहाँ पे इसका नाम दिया टॉप बार .php, ठीक है। और यहाँ पे मैंने H1 में, यहाँ पे H1 लिखा, H1 को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ लिख दिया मैंने टॉप बार, ठीक है। और सेकंड, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टॉप बार लगाना है, कहीं पे भी हेडर से पहले टॉप बार लगाना है, तो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूँ लिखूंगा PHP 1, और यहाँ पे मैं इसे इंक्लूड करा दूंगा फाइल को, तो इंक्लूड लिख के और यहाँ पे क्या कर देगा, टॉप बार .php। तो इससे क्या हो गया, टॉप बार की फाइल जो है वो अलग बन जाएगी। एक बार चेक करें, आ रहा है टॉप बार कहीं, तो देखो रिफ्रेश किया तो यहाँ टॉप बार आ गया, ये ऊपर आ गया ना टॉप बार। तो यानी क्या हो गया, ये मेरा क्या नाम है, लाइक मैंने अलग से इंक्लूड करा दी है, ठीक है। तो मैंने देखो काफ़ी सारी फाइलें कर चुका हूँ इसके अंदर, तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडर को अलग कर रखा है, मैंने क्या करा, हेडर को निकाल दिया है और हेडर को अलग बना दिया फाइल ये रही, header.php के नाम से। इसमें सिर्फ हेडर ही हेडर है। अगर देखो, अगर मैं यहाँ से ये कोड को कमेंट कर दूँ या फिर मैं कट कर लूँ, यहाँ पे सेव करूँ, तो यहाँ पे देखो हेडर गायब हो जाएगा, गायब हो गया हेडर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो हेडर वापस आ जाएगा, हेडर वापस आ गया, देखो आ गया ऐसे ऐसे। तो इससे क्या हुआ, फाइल मेरी अलग अलग हो गई है, तो मुझे सेपरेट करने के बाद बहुत इजी हो जाएगा काम करना। तो देखो टॉप बार मैंने अलग कर दिया, हेडर अलग हो गई है, ठीक है। तो header.php, और मुझे जितने भी सेक्शन है सबको अलग अलग कर लेता हूँ ताकि ईजी हो जाए मेरे लिए काम करना। तो देखो हेडर को मैंने अलग कर रखा है, मैं चाह रहा हूँ स्लाइड शो का ये सेक्शन भी अलग कर लेता हूँ। तो इसका सेक्शन हमारा ये रहा लेआउट, ठीक है। इसका नाम क्या है, वाई फ्यूचर लर्निंग, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, वाई फ्यूचर लर्निंग ना, तो कहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर लर्निंग, ये लिखा हुआ है। ये सेक्शन मुझे क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं सर्विसेज का। तो देखो मैंने क्या करा, इस सेक्शन को यहाँ से लिया, पूरे के पूरे सेक्शन को यहाँ से कर दिया कट, और यहाँ पे लिख दिया PHP 1, और इंक्लूड ओपन करने और क्लोज करने के लिए ये टैग होता है इसका, PHP का, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, हमारा इसमें दे दिया मैंने service.php ऐसे। इसका नाम कुछ और रखते हैं, क्या रखे इसका नाम, कैटेगरी पहले से है शायद, हाँ हैगी पहले से, इसे क्या बोलेंगे, फीचर्स बोल देते हैं, features.php। और क्या करना है, नई फाइल पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, सेव किया feature.php। पता है इससे फायदा क्या होगा, ये देखो एक तो कोड इजी हो जाएगा करने के लिए, जिसपे भी मुझे काम करना होगा सिर्फ इतना सा कोड दिखाई देगा, मैं जल्दी जल्दी चेंज कर दूंगा। सेकंड क्या फायदा होगा, जहां जहां मुझे चाहिए होगा जिस जिस पेज के ऊपर, बस ये लगा दूंगा, सब पे सेम काम करेगा, ठीक है। 1992
करें एक बार रिफ्रेश करके देखते, देखो आ गया। अगर मैं ये लाइन हटा दूं, देखो अगर ये लाइन मैं यहाँ से हटा दूं, कट कर लूं, अब देखो अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब ये गायब हो गया। हो गया गायब, ठीक है। बस ये लगाऊंगा मैं, वापस आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फीचर्स वाला। हाँ सर, ये जो फीचर डॉट पीएचपी लिखा आपने, तो जो फोल्ड फाइल आपने बनाई उसमें हाँ कोई प्लेस किया होगा उसका? ये ना इसका कोड फीचर्स वगैरह यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे दूसरे का देखते हैं, ये क्या है, ये एक्सप्लोर फीचर कोर्स, ये कोर्स इसका नाम दे देते हैं इसको। तो यहाँ से इसे मैंने पूरे सेक्शन को क्या करा, कट कर लिया। इसको मैंने पीएचपी बंद करा, इंक्लूड। तो अगर आप बड़े लेवल की वेबसाइट बना रहे हो जिसके 1000-500 पेज हो सकते हैं, तो आपको वो एचटीएमएल में नहीं बनानी होती, वो आप कम से कम पीएचपी में, इतना पीएचपी कोड तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। courses.php, तो ये वाला मैं वो आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। बस हमें क्या करना है, ओपन करना है, क्लोज कर देना, और यहाँ पे courses.php ऐसे कर दिया। तो ये छोटा सा टैग है, आपने नाम तो इसमें कुछ भी दे सकते हैं नाम कुछ भी दे सकते हो, तो courses.php, ठीक है। ये आ गया, आपने क्या करना है, ये कोड को यहाँ रख देना है। यहाँ ना? कोड को मैंने यहाँ रख दिया, तो देखो आ रहा है कोड, कोड हमारा पूरा। अब मैं देखो यहाँ से इसको हटा के देखता हूँ, तो मेरा होम पेज क्या हो जाएगा, बहुत मतलब छोटा सा हो जाएगा। ये देखो हटा दिया तो मैंने, गायब हो गया। पर यहाँ पे मैं रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, वापस हमारा ये कोर्सेस आ गए। ये देखो सारी चीज़ें काम कर रही होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें काम कर रही है। सेकेंड ये कौन सा, ये टीचर के लिए, ट्रस्टेड टीचर, टीचर, ठीक है। तो मैंने फिर से इस सेक्शन को लिया, इसे भी कट करा, ठीक है। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, कोर्सेस के बाद ये गायब हो गया, गायब हो गया ना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए पीएचपी, पीएचपी को बंद करा हमने, ऐसे इंक्लूड कर दिया, और ब्रैकेट में टीचर डॉट पीएचपी, टीचर डॉट पीएचपी, ठीक है। आपने एक नई फाइल बनानी है यहाँ पे, और इसे पेस्ट कर दिया, इसका नाम क्या दे देंगे, टीचर डॉट पीएचपी। तो यानी टीचर वाली जो सेक्शन हो गया ये अलग हो गया हमारा, ठीक है। एक और देखते हैं, अब इसमें क्या है, टॉप कैटेगरी। इस सेक्शन को मैंने पूरा बंद करा, ये टैग कैटेगरी, ये सेक्शन है, तो मैंने पूरे को यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पीएचपी को बंद करा, इंक्लूड टॉप डॉट टॉप कैटेगरी, टॉप कैटेगरी डॉट पीएचपी, ठीक है। यहाँ गए, नई फाइल पेस्ट करा, सेव किया, टॉप कैटेगरी डॉट पीएचपी, जो नाम वहाँ पर गया उसे अंदर सेव करना। हाँ बस सेव करना है, और अपने फाइल में पीएचपी एक्सटेंशन रहना चाहिए बस इसका, और बाकी सब एचटीएमएल का कोड रहेगा, ठीक है। तो टॉप कैटेगरी आ गई, यहाँ पे आ गई ये सेक्शन भी, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल का शायद मैंने अलग बना रखा है, ये कैटेगरी के नाम से बना रखा है मैंने शायद ये वाला, हाँ ये मैंने कैटेगरी के नाम से बना दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये है लर्न न्यू स्किल, तो मैं एक काम करता हूँ, इस सेक्शन को भी ले लेते हैं। ये कौन सा, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड बेस्ट, अच्छा ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, इसका नाम मैं आउल दे देता हूँ। हेलो तो लेना ही है। पीएचपी को बंद किया, इंक्लूड स्लैश आउल डॉट पीएचपी, और नई फाइल पे गए और कंट्रोल वी सेव किया, आउल डॉट पीएचपी, तो आ गया होगा ये वापस, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ, तो मुझे ना हर एक सेक्शन का कोड अलग अलग मिल जाएगा, तो फिर मुझे ये भी नहीं रहेगा कोई टैग टैग कहीं बंद रह गया, कोई टैग कहीं खुला रह गया। तो जब बड़ी साइट पे काम कर रहे हो, तो आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके से सेपरेट, तो जो चीज़ हटानी होगी देखो 2 मिनट में हट जाएगी, तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, उसका अलग सेक्शन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या है, नीचे ज्वाइन अस, तो इसका नाम मैं यहाँ पे इसे फिर बंद करता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम देते हैं PHP, PHP को बंद, इंक्लूड, और यहाँ पे इसका नाम क्या दे, ज्वाइन डॉट PHP, और इसको हम नई फाइल पे ले लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और इसका नाम दिया हमने ज्वाइन डॉट PHP, ये भी हो गया, इसको बंद कर लेते हैं, ये भी गया। तो फॉर्म वाला मैंने पहले से बना ही रखा था, ये बीच में जो शेप आ रही है ना, ये लाइनें जो आ रही है बीच में, वो है मतलब जो ऐसी ऐसी शेप आ रही तिरछी, तो वो बनी हुई है। ये इवेंट के नाम से पेज है, तो मैं इसको भी रख लेता हूँ। अब मुझे क्लाइंट जो भी बोलेगा कि ये हटाना है ये नहीं हटाना, तो मैं डायरेक्ट वहीं से हटा दूंगा,
event.php, और नई फाइल पे जाके हमने क्या करा, event.php। तो कभी भी साइट बनानी है तो आप इस तरीके से बनाओगे, तो event.php ये भी हो गया होगा, ये भी आ गया होगा, एक बार देख लेते फिर भी, ये वाला है ना, ये तो वो था फॉर्म वाला, ये इवेंट वाला हो गया, ये ब्लॉग वाला चाहिए। हेलो, यार मैंने एक प्रॉपर्टी क्या देख ली, तो भाई साहब बंदा रोज फोन करता है, कभी कोई फोन करता है, कभी कोई फोन करता है कि आ जाओ, और मैं बोलता हूँ कि आ जाएंगे जब टाइम मिलेगा, वो कहते हैं आपने बोला था कि आ जाना है। मैंने बोल दिया था कि मंडे तक आएंगे, ठीक है, तो सैटरडे को भी फोन किया कि आप मंडे को आ रहे हो ना, संडे को भी फोन किया आप मंडे को आ रहे हो ना, अभी फोन कर रहे हैं। डाउनलोड दिस ऐप। हाँ, तो मैंने सब वेबसाइट, पूरी वेबसाइट को क्या करा, अलग अलग पार्ट में ना टुकड़ों में बांट दिया। तो हाँ, आपकी बार हुआ, हाँ अब सही हुआ। अच्छा ठीक है, ये होम अबाउट सबने बनाया है, ठीक है, गुड, आप सही बात। ठीक है, डाउनलोड डॉट पी एच पी, ठीक है, आ गया हमारे पास, ये भी हो गया। अच्छा इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट पी एच पी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पी एच पी एक और बनाया, पी एच पी को बंद कर दिया, इंक्लूड, और यहाँ पे मैंने क्या करा, स्क्रिप्ट जितनी भी स्क्रिप्ट होगी वो मैं यहाँ डाल दूंगा, डॉट पी एच पी, और नई फाइल ली और इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, स्क्रिप्ट डॉट पी एच पी। इससे क्या होगा, जब भी मुझे स्क्रिप्ट लगानी होगी मैं इस वाली फाइल में लगा दूंगा, मुझे हर पेज पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पूरी वेबसाइट जो है मेरी छोटी छोटी हो गई है, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये छोटे से ये भी इसे भी उठा लेता हूँ, और ये भी सबके लिए कॉमन ही होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ पे पी एच पी लिख देता हूँ, पी एच पी बंद कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं लिंक्स डॉट पी एच पी, और नई फाइल पे जाके और इसको पेस्ट कर देता हूँ, और लिंक्स डॉट पी एच पी। ठीक है, तो ये सारी फाइलें हमारी क्या हो गई, ऐसे आ गई है। तो हो गया, छोटे बहुत छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया वेबसाइट को। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, जैसे कि मुझे हेडर चेंज करना है, तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये साइट हमारी इस तरीके से आ रही है। ठीक है, पूरी साइट बन के आ रही है, कंट्रोल यू करके चेक करोगे तो ये देखो पूरी ऐसी ही साइट दिखाई देगी जैसी थी। ठीक है, वो सब मर्ज हो गई है, सब मर्ज हो गई है, बस हमें क्या करना है, इस तरीके से ऐसे सेशन सेट कर लेना है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जैसे मुझे कोई सेक्शन नहीं चाहिए होगा तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, हटा दूंगा। ठीक है, अब मुझे साइट बनानी है, देखो तो एक मेरे पास, हाँ ठीक है, ये बंद कर देंगे, हाँ ये ऐसे ही रहने दो, कोई बात, एक बार घर पे भी प्रैक्टिस करना इसका। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास आ गए, ये देखो ये साइट है मेरे पास। मुझे क्या करना है, ऐसी कुछ डिज़ाइन करनी थी, मतलब यहीं से ही लाइक थोड़ा रेफरेंस लेना है। योर वेबसाइट इज नॉट सिक्योर कंटिन्यूस योर साइट। ये उसकी पहले एक पुरानी वेबसाइट बनी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, इसका मेन्यू बार मुझे पिक करना है। ठीक है, ऐसा ही मेन्यू बार बनाना है। वेबसाइट तो यह बहुत ही बुरी बनी हुई है, कंट्रोल माइनस। तो सबसे पहले हम क्या, कौन कौन सा ले लेते हैं इसके अंदर, कहाँ है हमारा, ये रहा, इसका लेते हैं, अबाउट हो गया हमारा। देखो मैंने ये चीज़ सेट कर रखी है यहाँ पे, अबाउट अस, डेक्स आ गया, ये आ गया, कोर्सेज में मुझे कोर्सेज लगाने हैं, कॉन्टेक्ट, और एक दो मेन्यू और सेट कर लेते हैं।
तो मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, फ्रेंचाइजी का ऑप्शन चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये मेरा, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और बस कहाँ जाना है आपको, हेडर डॉट पी एच पी में, यहाँ कुछ नहीं करना अब आपको, ठीक है। हेडर डॉट पी एच पी देखो ये रहा। अब मुझे जैसे कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी डॉट पी एच पी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस एल आई के बाद, हाँ तो ये कॉन्टेक्ट है, ठीक है, इसी की कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी पे क्लिक कर देते हैं। सेल्फ लिंक बनाने के लिए अभी फिलहाल मैं हैशटैग लगा देता हूँ, ताकि इस पे क्लिक करने पे कुछ अभी एक्टिविटी ना हो, ठीक है। इसको मैं डबल कोट्स में रख लेता हूँ। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं अपना, तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी आ गया होगा, ये आ गया फ्रेंचाइजी यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टेक्ट एस हमारा है ही, ठीक है। और कौन सा मेन्यू बार है चेक करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन, तो मैं एक ड्रॉप डाउन वाला चाहिए मुझे, तो मैंने ड्रॉप डाउन वाला बना हुआ यहाँ पे मेरे पास ये वाला, तो मैं इसी एल आई को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसी के बाद पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के अंदर मुझे चाहिए क्या कि जब कोई स्टूडेंट पे क्लिक करेगा यानी उस पर लेके जाएगा, तो इसमें आ जाएगा वेरिफिकेशन, स्टूडेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ये तो हटा देता हूँ मैं, तो पहले आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट वेरिफिकेशन, वो क्या था, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। इन दो को मुझे हटाया था, इन दो पे नहीं चाहिए, दो ही रख लेते हैं। इन दोनों में अभी शुरू में नहीं है हमारे पास कोई लिंक, तो हम क्या करेंगे, इसमें हैशटैग सेल्फ लिंक लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं इनमें भी हैशटैग लगा देता हूँ, ताकि यूज़र कहीं क्लिक करे तो भी कुछ एक्टिविटी ना हो। आप इसमें बना रहे हो तो ये होगा कि एक ही बार बनाओगे तो सब पे अपने आप लिंक लग जाएगा, ठीक है। तो अभी एक रिफ्रेश करके देखते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए, स्टूडेंट वेरिफिकेशन आ गए और ये भी आ गए, कॉन्टेक्ट आ गए, मोबाइल में मेरा इसी तरीके से दिखाई दे रहा है ये रहा सारा। तो अबाउट अस में ठीक है, कोर्सेस, कोर्सेस में ऐसे आ रहा है, स्टूडेंट नहीं आ रहा है इसमें, वो इसके पीछे जा रहा होगा, उसको सेट कर लेंगे अपन। हाँ तो हमको सेट करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिव में, तो ये कॉन्टेक्ट और फ्रेंचाइजी सब आ रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो साइट मेरी यानी अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गई है, 100% है ना, तो गड़बड़ हुई है, नहीं। आप सही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक हेडर तो का सेक्शन बन गया, लॉगिन मुझे चाहिए, ये कार्ड वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो ये सेक्शन मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, कार्ड वाला सेक्शन जो है वो कहाँ पे है हमारा, ये वाला होगा लॉगिन के बराबर में, तो कंट्रोल एफ, लॉगिन, लॉगिन ये रहा, और ये वाला होगा बटन जो है ये वाला डिव, तो इसको मैंने हटा दिया, ये तो नहीं है। साइन अप कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, लॉग इन ये लिखा हुआ, और चेकआउट ये होगा, चेकआउट वाला, व्यू कार्ड, व्यू कार्ड ये पूरा सेशन ही डालते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अभी भी नहीं हटा, ये इसी क्लास देख लेते, नहीं इसी इंस्पेक्ट, इसी क्लास का नाम है, इसके आइकन का नाम है इसका आइकन बास्केट, कंट्रोल एफ बास्केट ये रहा, और ये डिव पूरा था पूरा, ये कहाँ बंद हो रहा है, ये पूरा डिव हमारा यहाँ बंद हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी ना कुछ होगा, देखो जब इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया।
अब हमारे पास ये लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है। सर्च बार भी मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे फिर अलग से क्वेरी लगानी पड़ेगी। हाँ तो फिर फ़ायदा नहीं इतना काम का बढ़ाने का, तो सर्च बार भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। सर्च ये रहा, तो अब हमारे पास अरे सर्च कंट्रोल एफ सर्च हटा देते सर्च। ये वाला होगा ना, सर्च पे क्लिक करने कुछ हो रहा है। अच्छा सर्च का बहुत बड़ा सेक्शन है, तो सर्च कहाँ है ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है शायद यहाँ पर। हाँ तो ठीक है, लॉग इन साइन अप और यहाँ पे हमारा इस तरीके से सेट हो गया। यहाँ मुझे डिज़ाइन चेंज करना है, तो प्रथा ने एक डिज़ाइन बनाया था वही निकाल लेते हैं। प्रथा कहाँ है, प्रथा 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 एरी एरी तो डिवाइड करना आ गया ना, कैसे अलग अलग डिवाइड करना है। तो इससे वेबसाइट क्या हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। मतलब आपको हर एक कोड को अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपने अलग अलग सेक्शन बना लिया तो आपको ढूंढने में बहुत आसान हो जाएगा, मतलब कौन सा डिप कहाँ बन रहे हैं, तो ईजी तरीके से हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा फिगमा लॉगिन, फिगमा figma.com तेरे को ही भेजा था क्या सर? ये रहा ना, तो इसका सेक्शन ले लेता है, ये इमेज वाला सेक्शन मुझे सही लगा, तो पहले मैं ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ इसका। एक्सपोर्ट ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज अ ग्रुप पीएनजी। अच्छा इमेजेस, या तो ना आपको अगर क्वालिटी वाली इमेजेस चाहिए तो आप ना इमेजेस जो यूज़ करते हैं वो ना पीएनजी मत यूज़ किया करो, वेब पी इमेजेस यूज़ किया करो। वेबसाइट में हम वेब पी इमेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि ना इमेज की क्वालिटी भी जाती है, और मतलब इमेज जो है वो थोड़ी हैवी मतलब लाइट रहती है, वेबसाइट की स्पीड पर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इमेज है मेरे का, ठीक है, सही लगेगी, लगा के देखते हैं। अभी तो PNG है, चलो मैं अभी PNG लगाता हूँ। तो ये इमेज कहाँ पे डाउनलोड किया मैंने, डॉक्यूमेंट में करिए शायद, ये ना बैनर के नाम से, ये कॉपी। और मुझे कहाँ पे मेरा फोल्डर कहाँ पे, ग्रोथ आईटी ये रहा, इमेजेस में जाके मैंने यहाँ पे अपनी इमेज रख लेते हैं, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लगा देता हूँ ग्रोथ आईटी और पेस्ट कर देते हैं banner.png। हमारा जो ये सेक्शन है मैंने अलग कर दिया था, इसका सेक्शन का नाम मैंने क्या रखा था, सेकंड सेक्शन का चेक कर लेते हैं। तो देखो सेकंड सेक्शन का नाम जो होता है हेडर के बाद ये, चलो इमेज तो ऐसी रखी हुई है, तो इमेज का नाम क्या रखा है मैंने, बैनर। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, तो अभी चेक करें देखो कैसा आउटपुट आ रहा है। रिकॉर्डिंग बंद करनी है, कैसे करूँ, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये रहा। तो वेबसाइट आसान हो गई, टुकड़ों में बढ़ गई ना वेबसाइट। यहाँ पे मैंने banner.png, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुई क्या, यहाँ पे ये ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। ऊपर हेडर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो विजिबिलिटी नहीं आएगी। तो बैनर हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे बन गया, ठीक है। ऊपर मैंने बैकग्राउंड दिया तो था इसका, header.png header.php एरा और bg वाइट, यहीं पे दे देते हैं स्टाइल, स्टाइल इक्वल्स टू
बैकग्राउंड कलर कॉलन वाइट, तो ये ना इन लाइन को ले लेगा। हाँ अब सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा इमेज नीचे आ जाएगी तो सही लगेगा। ट्रांसपेरेंट कलर कैसे निकालू मैं? सी एस एस कहाँ है इसकी? सी एस एस कहाँ है? पीएरी मेन डॉट सी एस एस, और यहाँ पे वाइट का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, इतना चल जाएगा। इस कलर कोड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल जेड, और हेडर डॉट पी एच पी ये रहा हमारा, और बैकग्राउंड कलर हमने क्या करा, ये वाला ऐसा रख दिया। तो अब चेक करके रिफ्रेश किया, एक कहाँ चला गया, ये कुछ गलती करी क्या मैंने? हाँ अभी तो आ रहा था, वापस करें। कलर से क्या हो, कलर से क्या हो रहा है? कलर से तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये जूम हो गया क्या? अच्छा ये जूम हो गया 100%। हाँ जी सर बोलिए। हाँ हाँ बताइए। इनवॉइस एक बार बताओ, मैं अगर लाइक जो मेरा पुराना नाम चल रहा था उसके अलावा किसी और नाम से भेज दूँ चल जाएगा? नाम चेंज नहीं कर सकते? मेरे पास दो कंपनियां चल रही है ना, एक ही जीएसटी है मेरे पास। वो मैं जो मैं इनवाइस नहीं बना के दूंगा वो उस नाम से दे दूंगा ना। हाँ ले लो एक बार। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतना चल जाएगा, थोड़ा सा दिखाई देगा। फिर कंट्रोल सी, ये अलग अलग ना वो पैलेट बने हुए इनके कलर के। एक से बताऊंगा ये। हाँ हाँ हेलो। हाँ 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 सर मैं ये कह रहा था कि ना अभी जो मेरा जो पुराना वाला जीएसटी था वो सरेंडर हो रखा है, तो वो मैंने रिन्यू पे डाल रखा है, टाइम लगेगा। कि मैं अभी मेरा एक और कंपनी के नाम से मैं नई इनवॉइस बना के दे दूँ उस कंपनी के नाम से? हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ जो मेरे पास दूसरी कंपनी के नाम से चल रहा है हेक्सा कोड के नाम से, मैं उसकी आपको इनवॉइस बना के दे दूँ नई इनवॉइस? हाँ ईमेल सर कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें ये श्योर हो कि हमारी डिटेल्स उसमें मेंशन हो ताकि फर्दर हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है ठीक है, वो मैं करके दे देता आपको, ठीक है। ओके तो आप जो आप प्लीज। हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इनकी जो दूसरी कंपनी है उसके नाम पे बना हुआ है हमारे पास। ओके ओके ये ना वो कहीं पूछे ना कि नाम चेंज कर रहे हैं। हाँ ये है, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है। नई इनवॉइस से नहीं हो जाएगा लाइक मैं पूरी प्रॉपर तरीके से नई इनवॉइस दूँ तो? क्योंकि वो वाला तो एक तरीके से जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी पेमेंट हो ही चुकी थी। अभी तो लाइक जो हमारी ईमेल जो हमने परचेज करी हुई है उसका है अमाउंट, तो ऐसा कर दूँ तो मैं आपका सर जो पुराना आपका जो कंपनी का नाम हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है उसका जीएसटी का क्या इशू है, वो कब तक हो जाएगा? उसका तो लाइक टाइम लगेगा क्योंकि मैंने ना वो फिलअप नहीं की थी तो वो सरेंडर कर दी थी, उसमें पेनल्टी लग गई थी, तो अच्छा। उसमें लाइक मुझे अभी कम से कम 15 दिन लग गए। हाँ तो क्या ना मैंने ना उससे बात की थी सीए से, वो कह रहे कि ना अभी एमसीए की साइट ना बंद है, उनकी साइट चेंज हो रही है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ जीएसटी के लिए एमसीए की साइट नहीं चाहिए, आपके प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है ना। हाँ हाँ तो प्रोप्राइटरशिप में तो एमसीए वैसे भी कुछ नहीं करता सर, एमसीए स्टैंड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ हाँ और जीएसटी होता है gst.gov.in, जीएसटी इनके जो अपनी साइट है उस पे आपको मैं वैसे बता देता हूँ। हाँ हाँ आप जैसे उस पे चेक करोगे ना आप अपना जीएसटी नंबर डाल के वो डीएक्टिवेट दिखाएगा। अच्छा ठीक है,
सिंपल जो भी आपका जो वार्ड आएगा वहाँ आपको जाना, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फीस पेनल्टी होगी वो आप दे देंगे, वो हैंड टू हैंड एक्टिवेट हो जाता है। वो फीस, वो थोड़ा ना फीस पेनल्टी ज्यादा है उसमें, 1 लाख के आसपास है, तो इस वजह से हम होल्ड कर रहे थे उसे। चलो फिर मैं एक बार ना उसका करवा देता हूँ फिर मैं आज उसका। आप सर रिक्वेस्ट है थोड़ा वो जल्दी कर दोगे ना, ताकि हम हमारे अकाउंट फाइनलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है ठीक है, मैं आज कर देता हूँ आज मैं यही चीज। ठीक है, बैक डेट में से हमारे लिए कितना मोटा खर्चा इनकॉर्पोरेट करना, बुक्स में दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज कर देता हूँ। ओके हाँ, तो ये आ गया समझ में। तो इस तरीके से लाइक हमारा क्या हो गया, ऐसे सेटअप हो गया, ये हमारा इतना बन गया है। ठीक है हाँ, तो हमने कॉन्टेक्ट ये बना दिया, ये सेक्शन बन गया, ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा था। थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया ना, ये कट रही है फोटो। तो अपन एक काम करते हैं, बैनर का सेक्शन हमारा ये रहा, ठीक है, और हम ना पोजीशन फिक्स ना यूज़ करके, यहाँ पोजीशन फिक्स लगी हुई है, पोजीशन फिक्स ना लिख के पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ कर लेते हैं, स्टिकी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पोजीशन स्टिकी, तो फिक्स हट जाएगी, स्टिकी लग जाएगी, पोजीशन स्टिकी और टॉप जीरो, टॉप जीरो चेक करते हैं, स्टिकी ऐसे आ रही है। हाँ ये सही लग रहा है, अब ये यहाँ पे हमारा पूरा आ रहा है और यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया। चलो ये ठीक है, ठीक है, तो मेरा मेन्यू बार इस तरीके से बन गया आप। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा हो गया। अब मैं देखता हूँ दूसरा सेक्शन किस तरीके से बनाया गया। अब लाइक मुझे ना अबाउट पेज बनाना होगा, तो अबाउट पेज बनाना बहुत आसान है। ठीक है, क्या होता है जब भी कोई हम साइट बनाते हैं, जैसे होम पेज मैंने बना लिया, अगर आपको अबाउट पेज बनाना है तो यही पेज हेडर और फुटर ये सेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, फुटर बस, बाकी आपको अंदर कंटेंट चेंज करना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने क्या करना है, नई फाइल लेनी है यहाँ पे, ठीक है, इसी को ले लेता हूँ मैं। इसी फाइल को ना आपने कंट्रोल शिफ्ट एस करके अबाउट डॉट पी एच पी के नाम से सेव कर लेना है। ठीक है, सेव हो गया हमारे पास। तो देखो अभी हमारे पास क्या हो गया, होम पेज और अबाउट पेज दोनों बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, हमारे पेज का नाम क्या है, हेडर डॉट पी एच पी। तो हमारे पास यहाँ पे ये रहा होम अबाउट। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे अभी होम के देता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी। और सेकंड ले लेते हैं हम यहाँ पे अबाउट डॉट पी एच पी। About dot एक सेकंड, कौन सा वाला? इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये ना जावास्क्रिप्ट का एक एट्रीब्यूट यूज हुआ है, इससे मतलब ना इस वाले से ना जब क्लिक करने पे ऐसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसा हटा भी दूंगा ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टाइलिंग के लिए दे रखा होगा। तो यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कंट्रोल, हाँ तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे लिंक नहीं लगा ना पर ए एच आर, अच्छा यहाँ पे ए एच आर एफ इंडेक्स डॉट पी एच पी। रिफ्रेश करते हैं, लिंक नहीं लगा, लिंक इससे ही सेट हुआ हुआ है, ऐसा क्यों नहीं, इस पे भी लिंक नहीं है। ओके अब इसे खुद डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको हटा लेता हूँ मैं यहाँ पे, एल आई ये क्लास की वजह से हो रहा होगा, क्लास को हटाते हैं, ए एच आर एफ चिल्ड्रन इस क्लास को हटा लेते हैं, मेन्यू आइटम है इसको और डायरेक्ट यूज़ करके। हाँ आप काम कर रहे हैं। तो देखो हमारा मतलब साइट का ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पेज तो यानी बन गया है, होम पेज तो हमारा लैंडिंग पेज हो गया, बस हम मुझे कंटेंट उसका प्लेस करना है, और हमने सब पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा अब मुझे सिर्फ जिस काम जिस वेबसाइट पे काम करना है उस पर मैं चेंज कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, जो सेक्शन मुझे रीडिज़ाइन करना है वो सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर रीडिज़ाइनिंग करूँगा, बाकी के मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कभी भी काम करते हैं तो वेबसाइट को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आवाज कहाँ से आ रही है?
नोएडा में जाती है लाइट, दिल्ली में बिल्कुल बिल्कुल लाइट नहीं आती। जैसे मेरे घर घर कभी लाइट नहीं आती, हमने कभी इन्वर्टर नहीं लगवा रखा बिल्कुल। थोड़ी बहुत मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाती लाइट, साल में कभी एक बार जाती है। समझ में आया ना? तो इस तरीके से हमने क्या करा, पूरा सेक्शन ऐसे बना लिया, तो ये हमारा ऐसे बन गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब ना मोबाइल में खुले, लेकिन सर जैसे जो हमने अलग अलग किए उनमें जो CSS लगी है, उसके लिए क्या? उसके लिए कुछ नहीं करना आपने, CSS तो उसमें लगी हुई है ना, CSS तो कॉल हो रखी है होम पेज से, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन जो है वो इस तरीके से डिजाइन हो गया है। अब आपको लाइक जो भी काम करना होगा इसके अंदर कर लेना है यहाँ पे। तो अबाउट सेक्शन बनाना था मुझे, अब तो तुम्हें लिखेगा तो हाथ नहीं है सर।